पूजनी संत समाज, मंचासीन महानुभावों, देवियों और देवताओं, संत कबीर साहब के विषय में अनेक विद्वानों ने सारगर्भित विचार रखे। उनके विचारों से मेरा विचार कहीं अलग नहीं। एक दृष्टि से तो ऐसा है कि सब कुछ सूत्र रूप में विद्वानों ने कह दिया है। कबीर ऐसे संत हैं जो धर्म के क्षेत्र में विज्ञान पेश करते हैं, ये उनकी वाणी बीजक पढ़ करके हम देख सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को जो हम देखते हैं तो बीजक की बहुत सी वाणियाँ उसमें हैं, और बीजक के अतिरिक्त भी वाणियाँ हैं, लेकिन उनकी धारदार बातें सर्वत्र मिलती हैं। भखना साहिब की वाणी में राजस्थान के, और गुजरात में हम जाते हैं तो गुजराती भाषा में लोग गाते हैं और कहते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो। गुरु ग्रंथ साहिब में जितनी वाणी कबीर साहिब की है पंजाबी स्वर में है, और राजस्थान में राजस्थानी स्वर में है, गुजरात में गुजराती स्वर में है, उड़ीसा में उड़िया स्वर में है। संतों ने अपने ढंग से गाया साहिब की वाणी को। उनकी वाणी बहुत व्यापक है। संस्कृत में वेदव्यास और हिंदी में कबीर साहब की वाणी बहुत व्यापक है। वेदव्यास के नाम पर बहुत ग्रंथ लिखे गए, दूसरों ने लिखा। इसी प्रकार कबीर साहब की छाप से बहुत लोगों ने लिखा और लगाया, कहें कबीर सुनो भाई साधो। लेकिन उनकी वाणियाँ जगह जगह उजागर खरी है। बीजक उनका प्रामाणिक ग्रंथ है, क्योंकि पंथ में वो सुरक्षित रहा है। उसमें पाठांतर थोड़ा शाखा भेद से भले हो, जैसे वेदों का पाठांतर शाखा भेद से थोड़ा थोड़ा है, वैसे सकल संहिता ही खास वेद की संहिता मिलती है। लेकिन निरुक्त में यास्क मुनि ने ऋग्वेद के ऐसे भी मंत्र दिए हैं जो किसी शाखा में नहीं मिलता है, तो उस समय वो शाखा रही होगी। कबीर साहब की वाणी ऐसी ही है जो बीजक है। कबीर पंथ की विविध शाखाओं में थोड़ा सा पाठांतर हो सकता है, लेकिन बात वही है। कबीर साहब खड़ी हिंदी भोजपुरी लटका में बोले, कोई कितना व्यापक पुरुष हो, उन्होंने कहा देश विदेश से हो फिरा, बहुत भ्रमणशील थे। काशी के ज्ञानी जी ने एक तो नक्शा ही बनाया है कबीर साहब के भ्रमण का, बहुत पहले। लेकिन कितना ही व्यापक पुरुष हो, उसका एक क्षेत्र होता है, जहाँ जन्मा हो, जहाँ से संस्कार मिले हो, जो उसकी मूल भाषा हो, उसी में वो कहता है। भ्रमण से शब्द का भंडार बढ़ जाता है। मोहड़े परिगो रेत, ये कबीर बीजक में है। मोहड़े ये गुजराती भाषा है, मुँह। कहाँ चुनावे मेड़िया, मेड़िया ऊपर तल्ला, ये गुजराती भाषा है। ठाकुर की बाँह, ये बंगाली, ठाकुर संत को महापुरुष को बंगाली में कहते हैं। तो वे भ्रमणशील थे, इसलिए शब्द तो बहुत आए, लेकिन उनका जो काव्य है वो खड़ी बोली हिंदी है, खड़ी भाषा, और पुट है भोजपुरी का, क्योंकि गोरखपुर से काशी तक भोजपुरी पुट में भाषा चलती है। फुल भल फुलल मलिन भल गांथल, फुलवा विनसगो भवर निरासल, कहें कबीर सुनो संतो भाई, पंडित जन फुल रहल लो भाई। फुलल गांथल रहल लो भाई इत्यादि ये भोजपुरी लटका है। बीजक उनका प्रामाणिक ग्रंथ है, और अन्य संग्रहों में भी
उनके सर बराबर उजागर हैं। उन्होंने समाज पर कहा, धर्म पर कहा, अध्यात्म पर कहा, विश्वास पर कहा और डर नहीं रखा। उनकी निडरता सबसे बड़ी बात है। अगर वो भय खाए होते वो हीरे मोती न निकलते उनके कंठ से। और उन्होंने अपने साथियों अनुगामियों को यही कहा, निर्भय रहो। कबीर, खड़ा बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। तो रहने वाले घर को फूकने को नहीं कहे। स्वार्थ, अहंकार, मोह, हमारा दल बढ़े, धन बढ़े, यह मोह रखोगे तो सच नहीं कह सकते हो। धर्म के क्षेत्र में आज के विज्ञान युग में कितना अंधविश्वास है। गुरु और महात्मा, पंडित, मौलवी, पादरी, ज्ञानी जी, ये लोग समाज को रास्ता दिखाते हैं, लेकिन यही लोग कई बातें ऐसी भटकने वाली कहते हैं जिसमें समाज भटक रहा है। पुत्र देते हैं, धन देते हैं, रोग काटते हैं, व्यापार में वृद्धि करते हैं, राजनीतिक पद देते हैं महात्मा लोग, ये सब धार्मिक गुरु लोग ऐसा प्रचार करते हैं जिससे जनता भटकी हुई है। और उनके पास यही सब लेने के लिए लोग जाते हैं। गुरु जी स्वयं बीमार रहते हैं लेकिन दूसरे की बीमारी काटते हैं। तो भगत लोग भी कहते हैं हमारा पाप उन्होंने ले लिया इसलिए बीमार है, सब समाधान कर लिया जाता है। धर्म के क्षेत्र में चमत्कार बहुत पुरा काल से है। वेद के ऋषियों को धन्यवाद है, वो ऐसा चमत्कार नहीं कहे, उसकी रेखा है कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादा चमत्कार नहीं। प्राकृतिक शक्तियों को देव मान करके उन्होंने उसकी उनकी प्रार्थना की। बहुत पुराना युग है, वेद क्या कहते, जो मेरी पुस्तक है 700 पृष्ठों की है और 121 संदर्भों में है। वेद के सारे विषयों को रखा गया है और यथास्थल उस पर विचार किया गया है। बहुत सरल हृदय से ऋषि कहते हैं, आज की जैसी धूर्तता नहीं। बारंबार वह 100 वर्ष जीने की बात करते हैं, सैकड़ों बार ये बात आई, जीवियम श्रद्धा सतम पश्चिम श्रद्धा सतम, ये तो बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन जगह जगह 100 वर्ष जीने की बात है, कहीं श्रद्धा सतात है 100 वर्ष से ऊपर, लेकिन आज 2000 वर्षों से इधर ऐसे ग्रंथ बने हैं जिसमें 11 अरब वर्ष राज्य करने वाले राजा हुए हैं। राजा परिवर्त 11 अरब वर्ष राज्य किए और उनके रथ का पहिया जहाँ जहाँ गया समुद्र बन गया। और ये सब पुराणों में पढ़ा गुना जाता है। आज भी महात्मा हैं जो उनके चेले कहते हैं महाराज जी 300 वर्ष के हैं, 100 वर्ष के अंदर में वो मर गए हैं, लेकिन 300 वर्ष, 400 वर्ष कहते हैं। वेद की ऋषि ऐसे नहीं थे। पीछे से चमत्कार बढ़ा और चमत्कार ऐसा बढ़ा कि छा गया। तथागत बुद्ध स्वच्छ हृदय के थे, सीधी सादी बात करते थे। महावीर स्वामी वैराग्यवान पुरुष, लेकिन दोनों मतों में चमत्कार खूब बढ़ा, उनके अनुगामियों ने खूब कहा। आगम ग्रंथ, जैनों के आगम ग्रंथ अर्धमागधी में हैं, जो 32 हैं, वो मूल माना जाता है, वहीं से और ग्रंथ बने हैं, उनमें भी चमत्कार है। त्रिपिटक तथागत की वाणी मानी जाती है बुद्ध की, त्रिपिटक के अंदर भयंकर चमत्कार जो तथागत कह नहीं सकते। संतों में, ज्ञानियों में कबीर महाक्रांतिकारी, ये सभी जानते हैं, लेकिन कबीर पंथ की पौराणिक शाखा में कबीर को ऐसा कहा गया है, वो दुनिया के समस्त गणमान्य पुरुषों के गुरु हैं, हर युग में वे आते हैं। दुनिया के जितने गणमान्य राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा और जितने नाम लिए जाए, सब के वो गुरु हैं, क्योंकि हर युग में आते हैं, जो चाहें वो कर दें। होड़ मची हुई है चमत्कार के लिए।
आज इस वैज्ञानिक युग में ऐसे ऐसे महात्मा कहलाने वाले हैं जो चमत्कार के बल पर बहुत भीड़ और धन इकट्ठा करते हैं। लेकिन चमत्कार के विषय में साहब ने कहा, काहू के बच नहीं फुरे, काहू करा माती, मान बढ़ाई ले रहे हिंदू तुर्क जाति, बात ब्योते आसमान की मुद्दत निरानी, बहुत खुदी दिल राखते बूढ़े बिन पानी, कहें कबीर कासो कहो सकलो जग अंधा, सांचे सो भागा फिरे झूठे के बंदा। कोई चमत्कार दिखा रहा है, कोई आकाश में उड़ रहा है, किसी की वाचा सिद्धि हो रही है, सब तो अंधे हैं, किसको समझाया जाए। ये समझना चाहिए कि संसार में एक कारण कारज की व्यवस्था है, उसके तहत ही सब होता है। चमत्कार नाम की कोई चीज नहीं, कोई भुनगा नहीं हो सकता, हाथी नहीं हो सकता। योग दर्शन के तीसरे पाद विभूति में पूरा चमत्कार का वर्णन है, मैंने उसके भाष्य में लिखा है। हर सूत्र पर जहाँ चमत्कार है उसका खंडन किया है, विश्लेषण किया है। पतंजलि महाराज ने व्याप्त अंधविश्वास को सूत्रबद्ध कर दिया, जो योगियों के लिए अंधविश्वास व्याप्त था वे उसको नकार न सके, लेकिन वो सब का सब केवल भ्रांति है। सिद्ध का अर्थ होता है परिपक्व मन वाला, निर्मल मन वाला, जो दुखहीन है, चिंताहीन है, भयहीन है, जिसका शरीर में रहना और न रहना दोनों बराबर है। शरीर अभी खत्म हो, कुछ हर्ज नहीं। जो अपने असंग स्वरूप के बोध में स्थित है, भीड़ मिली है, भीड़ छट जाती, कुछ हमारे साथ नहीं, आत्मा अकेला है, कैवल्य, इस बोध में जो स्थित है, इस रहने में स्थित है, वो सिद्ध है, उसका दुख समाप्त है, वो भुनगा नहीं हो सकता, हाथी नहीं हो सकता। हजार सिद्ध महात्मा मिलकर के एक काले बाल को उजला नहीं कर सकते, उजले बाल को काला नहीं कर सकते। नक्के अपने नाखून के एक सूत को भी उसमें बढ़ा नहीं सकते, ना घटा सकते। जो है सो है, और इतना ही नहीं, हजार ईश्वर मिल करके एक मुर्गी को कबूतर नहीं बना सकते। प्रकृति का विधान है, पूरे विश्व में नियम व्याप्त है, जिसको वैदिक ऋषियों ने ऋत कहा, ऋतस्य तंतुम विततम, ऋत के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है, नियम के तंतु सर्वत्र परिपूर्ण है। आज के युग में भी पानी नहीं बरसता है तो हवन बड़े जोर से चलता है, हवन से पानी बरसेगा, हवन और पानी बरसने में कोई कारण कार्य व्यवस्था नहीं। अखंड कीर्तन से पानी नहीं बरस सकता है, महात्मा अगर उपवास करते हैं तो पानी बरसने वाला इससे नहीं। पानी बरसने के जितने कारण हैं वो प्राकृतिक है, वे अचेतन है, उनकी योग्यता होगी पानी बरसेगा, नहीं योग्यता होगी नहीं बरसेगा। भूचाल आना या और भी जितनी भी सृष्टि की क्रियाएं हैं उनमें स्वाभाविक गुणधर्मों से होता है। कोई महात्मा धरती के अंदर की बात जान जाता है, क्षण ही में वो तमाम देशों में घूम आता है। ऐसे ऐसे महात्मा नामधारी की पुस्तकें छपी हैं, जो अभी अभी 40-50 वर्ष हुआ है मरे, और वो लिख गए हैं, कबीर से हम मिले, नानक से मिले, विवेकानंद से मिले, उन्होंने ये बताया हमें, उन्होंने ये बताया। ये सभी महापुरुष शरीर छोड़ चुके हैं बहुत पहले, उनको कैसे मिले। लेकिन सनसनीखेज बात धार्मिक लोग कह करके एक प्रलोभन रहता, धन और जन इकट्ठा करना, ये महापाप है, धर्म इसमें लुप्त होता है। वकील बदनाम है कि वो झूठ बोलता है, व्यापारी बदनाम है, राजनेता बदनाम है कि वो झूठ बोलते हैं, और धार्मिक लोग झूठ बोलने से प्रशंसित होते हैं। सड़क सड़क आप जाते हो और कहें एक स्त्री को 15 बच्चे पैदा हुए तो आपके लोग हंसी करेंगे। लेकिन इस व्यास गद्दी से मैं कहूँ, राजा सगर की पत्नी सुमति को 60,000 बच्चे एक साथ पैदा होते भए, तो आप कहेंगे वृंदावन बिहारी की जय, क्योंकि श्रीमद् भागवत में लिखा है, काल्पनिक। ऐसी चमत्कार की बातें बिल्कुल निरर्थक। संत सिद्ध का मतलब है दुखहीन मन,
रागत द्वेषहीन मन, कृतार्थ अवस्था, कल्याण अवस्था, पूर्ण निर्भय पद, और कुछ नहीं कर सकते। जैसे सब जी रहे वैसे वो जी रहे, उनका भी शरीर वैसे ही है, उनको भी बीमारी आ सकती है, कोशिकाएं सब ढीली होती हैं सबकी। कबीर साहब की वाणी में आप देखें, दहकती आग है। आज से 500 वर्ष पूर्व, 550 वर्ष पूर्व उन्होंने ये सब बातें कही हैं। मानो मानो में भेद, वेदों को पढ़ने से ऐसा भेद नहीं लगता है। वैदिक ऋषियों की मानसिकता ऐसी मुझे जरूर लगती है कि अंग्रेजों की तरह वो गर्वीले थे। अंग्रेज लोग छुआछूत तो नहीं मानते थे, लेकिन भारत में भी जहाँ वो रहते थे, उनकी कॉलोनी रहती थी, कोई भारतीय उसमें न जाए। बिहार में ही जहाँ चंपारण में रहे अंग्रेज लोग, गांधी जी ने अपने आंदोलन से जिनको खदेड़ा, कोई भी कितना ही योग्य व्यक्ति हो, अंग्रेजों के ऑफिस के सामने खड़ा हो, खड़ा रहे, जब वो कहें तब आए, कुर्सी पर बैठना मुश्किल। तो ये गर्वीले थे वो। आर्य लोग कितने गर्वीले थे, व्यवहार उनका क्या था ये तो नहीं लिखा है, लेकिन वैदिक ऋषि या वैदिक लोग गर्वीले थे, किंतु छुआछूत की बात कहीं नहीं। चारों वेदों में छुआछूत की एक लाइन नहीं, बल्कि यह है समानी प्रपा सहोवन भाग, हमारी पौशाला एक हो और एक साथ हम भोजन लें। मनुर्भो जनया दिव्यम जन्म, मनुष्य बनो और दिव्य जन समाज पैदा करो। वर्ण व्यवस्था जब बनी तब तरल थी और एक दूसरे से विवाह शादी होती थी, यहाँ तक कि राक्षस, दैत्य, पिशाच, नाग, इन सब से लड़कियाँ और लड़के लेते देते थे, विवाह शादी होती थी। विश्वरवा दैत्य की पुत्री शर्मिष्ठा बृहस्पति की पत्नी थी, आपस में विवाह शादी, खान पान में कोई छुआछूत का कुछ नहीं, समता थी। वर्ण व्यवस्था जब हुई, काम का बंटवारा हुआ। वर्ण व्यवस्था के तीन संस्करण हैं। पहला संस्करण है काम का बंटवारा, दूसरा है योग्यता के अनुसार, तीसरा है जन्म से मान लेना। जब से जन्म से माना गया तब से विकृति आई। आप वेदों को पढ़ें, वेद के ऋषि कर्मशील हैं, वह हल चलाते हैं, सीरा जंजंद कवियो, ये वेद मंत्र का अंश है, ये ऋग्वेद का है। सिर नाम हल है, सीरा बहुवचन में वो कहते हैं। कवि का अर्थ होता है क्रांति दृष्टा, हिंदी में कवि का अर्थ होता है जो कविता लिखे और एक बोतल शराब पी करके मंच पर कविता गावे, लेकिन संस्कृत में जो कवि है वह पारदर्शी को कहते हैं, जिसकी दिव्य दृष्टि है। सीरा जुंजद कवयो तत्वदर्शी हल चलाते हैं। इंद्र को हल चलाने की बात कही गई, इंद्र कोई व्यक्ति नहीं था, इंद्र प्राकृतिक शक्ति है, लेकिन अलंकारों में कहा गया हर काम ऋषि अपने हाथ से करते हैं। कारुरहम ततोभिषक उपल प्रक्षणी नना, नाना धियो वसु यव अनुगायु तस्थिम इंद्राय इंदो परिस्रवा। ये ऋग्वेद का मंत्र है। कारुरहम, कारु अहम, मैं कारु हूँ। कारु कहते हैं शिल्पी को, संस्कृत का कारु और हिंदी में कारीगर, कितना बढ़िया साम्य है। कारुरहम, मैं कारु हूँ, शिल्पी हूँ। कारुरहम ततो भिषक, मेरा तात भिषक है, वैद्य पिता। ततो और नन, तत और नन, ये दो दो अक्षरों का माता पिता के लिए प्रयोग वेद में हुआ। कारुरहम ततो भिषक, मेरा जो तात है, पिता है, वो वैद्य है, दवाई कूटता है। उपल प्रक्षणी नना, नना नम्र माता, यास्क मुनि ने निरुक्ति में नना का अर्थ किया है नम्र। माताएं दूध पिलाती हैं बच्चों को तो झुक जाती हैं, स्वाभाविक भी नम्र होती हैं माताएं, इसलिए नना नाम माता। मेरी माता क्या करती, उपल प्रक्षणी है, उपल नाम पत्थर, उपल नाम बालू, यहाँ बालू का अर्थ है।
प्रक्षणी नाम फेंकने वाली भड़भूज जब भुजा भूनता है तो सामने के पात्र में वो भूनता है और दूसरे पात्र में बालू गर्म होता है। जब एक स्थित आती है तो उसमें से बालू उठा के उसमें फेंक देता है और चला देता है तो सब लावा हो जाता है। उपल प्रक्षणी नना, मेरी नम्र माता उपल प्रक्षणी है, जो भूनती है, भड़भूज है। नाना धियो बसु यवह, बस के लिए धन के लिए हम नाना काम करते हैं। कैसे करते हैं? अनुगायु तस्तिम, जैसे गायें चरागाह में घास खोजती हैं। इंद्र आइंदो परिश्रवा, आइंद ऐ सोमरस, इंद्र के लिए बहो। इस सूक्त में जितने मंत्र आए हैं सबके चतुर्थांश में ये दोहराया गया है। इंद्र आइंदो परिश्रवा, आइंदु ऐ सोमरस, इंद्र के लिए बहो। तो ऋषि स्वयं कहता है, वो वेद का रचयिता है और कहता, मैं शिल्पी हूँ, मेरा पिता दवाई कूटता है, मेरी माता भड़भूज है। वर्ण व्यवस्था के अभिशाप ने कर्म करों को उपेक्षित कर दिया। कर्म कर अछूत, जो मोटा काम करे वो अछूत, जो हल चलावे अछूत, जो लकड़ी छीले वो अछूत, जो कपड़ा बुने वो अछूत, जो मकान बनाए वो अछूत, जितना भी ये कारीगर का काम है सब ये कारीगर सब का अछूत है, शिल्पी सब अछूत है, कर्म कर सब अछूत है, मजदूर तो स्वाभाविक अछूत है। इस प्रकार जब धारणा दृढ़ हो गई तो छुआछूत प्रबल हो गई। छुआछूत है, कोई टट्टी घर से निकला है अछूत है, स्नान कर ले अछूत नहीं, टट्टी साफ करता है अछूत है, स्नान कर लिया अछूत नहीं। अछूत छूत तो होता रहता है इंसान, स्वच्छता की दृष्टि से छूत अछूत है, जन्म से कोई अछूत है ये धारणा बनी और हमारे प्रामाणिक शास्त्रों में ये धारणा लिखी गई और इतनी मजबूत हुई भगवान के मुख से कहला दिया गया। आप जो बात मनवाना चाहें भगवान महात्मा के नाम से जड़ दें वो चलेगा। महात्मा धर्म भगवान कह देने पर आदमी एकदम गाय हो जाता है, उस पर विरोध नहीं किया जा सकता है। कबीर साहब ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुबाए, सार सार को गह रहे थोथा देव उड़ाए। सूप का उदाहरण कबीर साहब देते हैं, वैदिक ऋषि चलनी का उदाहरण देते हैं, सक्तमेव तितोना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचम कृत, अत्रा सखाया सख्या न जानते भद्रैषाम लक्ष्मीर नेतादि वाच। सक्तमेव तितोना, सक्तुम यु तित उना, सक्तुम सतुआ, तितौना नाम चालना, तितौ चलनी को कहते हैं। जैसे सत्तु चलनी से चाला जाता है, मनसा वाचम कृत, मन से वाणी को अकृत करो, वाणी को छानो, ये वैदिक ऋषियों ने कहा, सब भूल गया। दर्जनों स्त्रियां हैं जो वेद मंत्र की रचयिताएं हैं। वेद क्या कहते कि भूमिका ही में मैंने उनका सबका नाम दिया है और जिन जिन सूक्तों में उनका नाम है वो रचयिता वो सूक्त कोष्टक में आगे दिया है। लेकिन आज 2000 वर्षों से चल रहा है, 2500 वर्षों से, कि स्त्रियां वेद मंत्र नहीं पढ़ सकती, शूद्र कहे जाने वाले वेद मंत्रों की रचयिता हैं, लेकिन आज वे पढ़ नहीं सकते। कितना हम भूल गए। अच्छे अच्छे विद्वान हुए लेकिन किसी को ये खराब नहीं लगा, बल्कि उसका ही समर्थन करते चले गए। कबीर झुग्गी झोपड़ी में पाले गए थे, कहाँ जन्मे इसका पता नहीं। कहते नीरू नीमा ने लहर तारा तालाब पर उनको पाया, गरीब जुलाहे ने पाला, जहाँ चारों तरफ का वातावरण कुकड़ू कू रहा होगा, और वहाँ पल करके वो महापुरुष कैसा अद्भुत हुआ, कैसी पारदृष्टि उसकी, कैसा वो साफ कहा, जो तू ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे ना आया, जो तू तुरुक तुरुकनिक जाया पेटे ही काहे सुनत कराया, सुनत कराया तुरुक जो होना औरत को क्या कहिए,
अर्धशरीरी नारी बखानी ताते हिंदू रही है। अगर पेशाब इंद्री की खलड़ी कटा करके मुसलमान बनते हो तो अपनी पत्नी क्या कहोगे, उसका तो कुछ नहीं हुआ, हिंदू है, तुम भी हिंदू रह जाते। ये बात उस समय कहना मामूली है। तुरंत वो पंडितों को कहते हैं, पहर जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहरा है, शब्द का प्रयोग कैसे मेहरी। डॉक्टर शेरप्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि कबीर पंडितों को अदना अटट गंवार मानते हैं। वैसी बात नहीं है, पंडितों को बूझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी। कहें कबीर हम जात पुकारा, पंडित हुए सोले बिचारा, पंडितों का आदर भी किया। तो जनेऊ पहन करके तुम ब्राह्मण होते तो तुम्हारी पत्नी तो जनेऊ नहीं पहने, गायत्री मंत्र सुनी नहीं सकती है, तो शूद्रा है। और कहते हो शूद्र अछूत होते हैं, और शूद्रा का बनाए रोज खाते हो, कैसा अद्भुत है। पहरी जनेऊ जो ब्राह्मण होना मेहरी क्या पहराया, वो जन्म की शूद्रन पर से तू पाड़े क्यों खाया। यहाँ केवल पाड़े के लिए नहीं है, सभी ब्राह्मणों के लिए है। एक संस्मरण में बताऊँ, ये शायद है 89 का समय है, जब कुंभ मेला था, मेरा भी कैंप लगा था। एक पांडे जी आए आसाम से, मेरी पुस्तकें वो खूब उसमें रमे थे, परंतु कुछ कुछ पुस्तकें पाए थे। जब वे आए बांध पर यहाँ प्रयाग में, तो हमारा कैंप तो पाए नहीं, किसी दुकान पर मेरी बीजक टीका खरीदे, तो उल्टे तो तुरंत मिल गया संतो पाड़े निपुण कसाई, बकरा मार भैंसा पर धावे दिल में दर्द न आई। तो पढ़े तो बहुत क्षुब्ध हुए और चले गए। फिर उन्होंने लंबा पत्र लिखा, मेरे लिए बड़ा विशेषण बड़ा विनय, लेकिन भगवान आपने कबीर साहेब ने तो कहा ही संतो पाड़े निपुण कसाई, आपने टीका भी खूब कस के कर दी, और मैं आता तो आपके संत कहते देखो एक कसाई आ गया। बड़े भावुक थे वो। मैंने उनको लिखा, थोड़े में लिखा, मैंने कहा पाड़े तो एक प्रतीकात्मक है, उन्होंने सभी ब्राह्मणों को कहा है भाई तुम ब्राह्मण हो और जीव बध करते हो तो कसाई किसे कहते हैं, कुछ लिख के भेजा। वो तो तुरंत समर्पित हो गए। फिर आए, उनकी दीक्षा हुई, अब हमारे विचारों का आसाम में वो खूब प्रचार करते हैं, वो डॉक्टर भी हैं, प्रवक्ता हैं और प्रचार करते हैं। तो कबीर साहब बात सीधी कहते हैं, ब्राह्मण शूद्र कुछ नहीं, सब मनुष्य हैं। ब्राह्मण का अर्थ होता है ज्ञानी। ब्रह्म कहते हैं बृहत्वाद ब्रह्म, जो बढ़े वो ब्रह्म, या जो बड़ा हो ब्रह्म। आग को ब्रह्म कहा गया है। अग्निमेले पुरोहितम यज्ञ से ऋग्वेद का मंत्र शुरू होता है अग्नि से, अग्नि ब्रह्म है। और अग्नि में हवन डाला जाए जिस मंत्र से, उस मंत्र को भी ब्रह्म कहते हैं, इसलिए वेद के मंत्रों को ब्रह्म कहते हैं। और इनका प्रयोग करने वाला ब्राह्मण है, ये पहली शुरुआत है। लेकिन आगे चल करके ऋषि इसी में रुके नहीं रहे। आत्मज्ञानी को ब्रह्मज्ञानी कहा, और जो आत्मलीन है वो ब्राह्मण है। इसलिए इसमें वर्ण व्यवस्था की बात नहीं है। अनेक ऐसे ऋषि हुए, वेद व्यासी धीवरी के बच्चे थे और महान ब्राह्मण माने गए। महीदास इतरा के पुत्र, दासी के पुत्र, शूद्रा के पुत्र, और उनके नाम से इतरे ब्राह्मण है। ब्राह्मण ग्रंथ जो ऋग्वेद का महत्वपूर्ण ब्राह्मण है, और मूल वेद ही में शूद्र कहे जाने वाले अनेक ऋषि हैं। तो ब्राह्मण का अर्थ है जो आत्मलीन हो, शोक मुक्त हो। एक उदाहरण इस पर भी संस्मरण आया, मैं गोंडा जिला में था, एक पंडित जी मुझे समाज सहित निमंत्रित किए भोजन के लिए। हम लोगों का सिस्टम अपने हाथ से बनाते हैं। हमारे साधु गए भोजन बनाने लगे, बाग था, बाग में उनका घर था, सभी साधु अन्य साधु बैठ गए जगह जगह, मैं भी एक पेड़ के नीचे बैठा मनन करने लगा। एक पंडित जी आए बैठे, बातचीत करने लगे, कहे महाराज इसमें जो आपके संत हैं इसमें ब्राह्मण भी होंगे। तो मैंने कहा इसमें सब के सब ब्राह्मण हैं, अब कोई ब्राह्मणत्व को पा गए हैं, कोई उस तरफ चल रहे हैं, ये सब के सब ब्राह्मण हैं, लेकिन आपकी तरह नकली ब्राह्मण नहीं है। तो कहे महाराज मैं नकली ब्राह्मण कैसे हूँ। तब मैंने कहा जितेंद्रिय धर्म पर स्वाध्याय निरता शुचि,
काम क्रोधो वसो यस्य तम देवा ब्राह्मणम विदु। युधिष्ठिर जी महाभारत में कहते हैं, जो जितेंद्री हो, धर्मपरायण हो, स्वाध्याय निरत हो, अंतर बाहर शुद्ध हो, जिसने काम क्रोध को अपने वश में कर लिया हो, उसको विद्वान लोग ब्राह्मण कहते हैं। कहे महाराज तो मैं ऐसा तो नहीं हूँ। मैंने कहा इसीलिए आपको कहा आप नकली ब्राह्मण हैं, ये लोग असली ब्राह्मण हैं। सब ब्राह्मण हो नहीं गए हैं, प्रयासरत हैं। तो कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, जो इंद्रियजयी हुआ, निष्काम हुआ, आत्मलीन हुआ, वो ब्राह्मण है। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणाः, ये बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क ने कहा। पहले आत्मज्ञान की बात कही, तब कहा तम एव, उसे ही विज्ञाय जानकर ब्राह्मण, प्रज्ञां कुर्वीत उसी में प्रज्ञा करे, आत्मा ही में प्रज्ञा करे, जो आत्मा ही में मन को लगाए, देह में नहीं, ये चमक दमक में नहीं, ये क्षणिक है, इतनी भीड़ मिली है, ये कहाँ रहने वाली है, शरीर हमारा टूट करके गिर जाने वाला है, जीवन में धोखा धोखा सर्वत्र धोखा है। अगर हम कहीं आकर्षित होते हैं तो इसका मतलब वही हमारी मूर्खता है। जहाँ जहाँ हम आकर्षित हुए हैं वहाँ वहाँ से धोखा मिला है, जहाँ से हम आकर्षित हुए वहीं से विकर्षण हुआ है। जिस धोखे से अपने को बचा ले वो ब्रह्मज्ञानी है, वो ब्राह्मण है। कबीर साहब की वाणी में वैराग्य इसीलिए भरा है क्योंकि बिना वैराग्य के कोई आत्मा की तरफ लौट नहीं सकता है। वैराग्य का अर्थ गृह त्याग और कपड़ा बदलना नहीं है, वो भी एक सिस्टम है। जिस सिस्टम में हम जैसे लोग हैं कि गृह त्याग दिए हैं, जहाँ जन्म हुआ उस आश्रम को छोड़ दिए, संन्यास आश्रम में आ गए, कपड़ा बदल लिए, लेकिन ये वैराग्य का लक्षण नहीं है। वैराग्य का लक्षण है निर्मोह हो जाना, अनासक्त हो जाना। और अनासक्त वह होगा जो संसार की क्षणभंगुरता को निरंतर देखता है। सारी उपलब्धियां झूठी हैं, दो दिन की, कुछ नहीं, आत्मा असंग है, अकेला है। इस बोध भाव में जो स्थित हो उसको ब्राह्मण कहते हैं, और कोई भी ब्राह्मण हो सकता है। और ये सब शास्त्रों में है, उसका मनन चिंतन छूट गया है। तथागत बुद्ध की वाणी में तो धम्म पदम में अंतिम में ब्राह्मण वग्गो ही है, जो 41 गाथाओं का है। और उसके लिए उन्होंने बारंबार कहा मैं उसको ब्राह्मण कहता हूँ, उसको ब्राह्मण कहता हूँ। और इसको तो आप मान सकते हो, तो बौद्ध थे, बौद्ध लोग बनाए हैं, बुद्ध की वाणी है। लेकिन महाभारत में और ब्राह्मण कहे जाने वाले लोगों के ग्रंथों में भी है, किंतु ज़्यादा जोर है वर्ण व्यवस्था का। और इतना समाज भटक गया, कोई ऐसा भोला संप्रदाय होगा जो अपने शास्त्र को किसी वर्ग के लिए रिजर्व करता होगा। सभी दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं वे सब के लिए, मानव मात्र के लिए कहते हैं। वेद भी मानव मात्र के लिए है, लेकिन 2,500 वर्षों से इतना रोग फैला वर्ण व्यवस्था का कि वेद का मंत्र तो सुन ले शूद्र तो कान में रंगा भर देना चाहिए, आँख से पढ़ लिया तो आँखें फोड़ देना चाहिए, हृदय में मनन हो गया तो हृदय तोड़ देना चाहिए, मार डालना चाहिए, कितना अपराध है। कबीर साहब ने खुल करके कहा और डांटा। और इसके विषय में उनकी बहुत सी वाणियाँ, सब उद्धृत करने की आवश्यकता नहीं। एक त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गूदा, एक बुंद से सृष्टि रची है को ब्राह्मण को शूद्रा, रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर सतोगुणी हरि होई, कहें कबीर राम रम रहिए हिंदू तुर्क न कोई। एक ही लहजे में कहा जाते हिंदू मुसलमान कोई नहीं, ब्राह्मण शूद्र कोई नहीं। पंडित देखो मन में जानी, पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी सहज समाना, घट घट बोले वाके चरित अनूपा, वा को नाम काह कह लीजिए न वाके वर्ण न रूपा, तय मैं क्या करसी नर भौरे क्या मेरा क्या तेरा, राम खुदाय शक्ति शु एक कोधो काहे नहीं हो रहा, वेद पुराण कितेब कुराना नाना भांति बखाना, हिंदू तुर्क जैन यो जोगी ये कल काहू न जाना। ये सब लोग ये कल कल नाम मधुरता, ये अनेकता में जो एकता की मधुरता है ये लोग समझ नहीं रहे हैं। जातिवादी भावना से ऊंच नीच की भावना आई, जिसको इतनी अकल न हो
कि हमारा शरीर टट्टी पेशाब की टोकरी है, दूसरे की शरीर यही से है, जन्म सबका एक किस्म से हुआ है, खाना पीना सोना जागना वही है। इतनी अकल जो न रखे वो पंडित और विद्वान कैसे है, कैसे कोई छूत है और अछूत है। सबके हाथ में चाम लपेटा है और सब काम करते हैं सुबह उठ करके, क्या करते हैं बड़े से बड़े आदमी, बड़े से बड़े पुरुष लोग सुबह उठ करके जो पहला काम करते हैं वो सब जानते हैं, मेहतर का काम करते हैं। अपनी टट्टी सब धोते हैं, जो दूसरे की टट्टी धो दे वो पापी हो गए। इतनी समझ जिसको ना हो पंडित है। कबीर साहब ने इसके लिए झकझोर करके कहा, उनकी वाणी पढ़ने योग्य है। जात पात मान करके हिंदू समाज ने बहुत घाटा उठाया है, इस्लाम में भी है मुसलमानों में भी है। एक मुसलमान को मैंने कहते देखा बचपन में, बहुत पुरानी घटना है, कोई 60 बरस से भी पुरानी होगी। हाँ वो तुर्क है ना, दूसरे मुसलमान को उसने कहा वो तुर्क है ना, मेरी समझ में नहीं आया मुसलमान ये भी हैं वो भी हैं, उनको तुर्क कैसे कह रहे हैं। तुर्क वैसे चीन और रूस के दक्षिणी क्षेत्र में होते थे, बड़े बर्बर होते थे। ह्वेनसांग की यात्रा जब हुई है उन्होंने अपनी डायरी में सब लिखा है, और जिसको पढ़ करके मैंने अपनी डायरी लिखी अगत वर्ष वाली, और मेरी और ह्वेनसांग की डायरी नाम से छपी है, उसमें सब विवरण मैंने दिया है। इतिहास में थोड़ा आता है लेकिन मैंने पूरा लिखा है। तो तुर्कों का राज बहुत देशों में था, उस समय हजरत मोहम्मद का जन्म तो हो चुका होगा लेकिन प्रचार उतना नहीं था। तो ह्वेनसांग ने लिखा है तुर्क यहाँ भी हैं यहाँ भी हैं, तुर्क बड़े बर्बर हैं, और ये तुर्क लोग ईरान के मुसलमानों को मारते थे और मस्जिदें फूंकते थे। यही जब मुसलमान हो गए तब इनको पागलपन सवार हुआ भारत के तरफ, मंदिर तोड़ने और मूर्ति तोड़ने। तो तुर्क मुसलमान खास नहीं है, अरब से मुसलमान यहाँ लड़ने नहीं आए, कब्जा करने नहीं आए, ये तुर्क लोग हैं, लेकिन तुर्क फिर मुसलमान हो गए। तो ये एक अलग चिंतन का विषय है। परंतु वह जिस लहजे में कहे, आज भी जैसे सैयद हैं, पठान हैं, जोरहा हैं, धुनिया हैं, सब एक थोड़े मानते हैं, भले कहें हम नहीं मानते ऐसा, लेकिन वहाँ भी कमी बेसी है। ईसाइयों में भी ये रोग है, हिंदुओं में भयंकर रोग है, अब ये घट रहा है, ये बिल्कुल उच्छिन्न होना चाहिए। किसी मनुष्य से मिलें हम ये न पूछें किस जात के हो, जात का मतलब पैदा होना, जात संस्कृत भाषा का शब्द है, उसका अर्थ होता है पैदा होना। पैदाइश मानव मात्र की एक है तो जात दो कहाँ है। बकरी और सूअर से बच्चे नहीं होते इसलिए उनकी जातियाँ अलग हैं, गाय और भैंस से बच्चे नहीं, भैंसे से बच्चे नहीं होते इसलिए उनकी जातियाँ अलग हैं, किंतु इस भूमंडल के किसी कोने के नर और किसी कोने के नारी से बच्चे होते हैं, तो मानव में दो जात कहाँ है। जात की भावना हम भूल जाएं, मानव को मानव की दृष्टि से पूछें, मानव को जाति और वर्ण पूछ करके उसकी कीमत अगर हम मानते हैं तो अपराधी ही नहीं है, पापी है, ये पाप करना है। मनुष्य का मूल्यांकन मनुष्यता से होता है। कबीर साहब की वाणी इस पर जोरदार है। संप्रदाय ने भी गजब ढाया है, हमारी किताब ईश्वर की है, हमारा महापुरुष ईश्वर का अवतार है, दूत है, ये दोनों बातें गलत हैं। सभी महापुरुष मनुष्य हैं, सभी किताबें मनुष्यों की रचनाएं हैं। वेद के हर सूक्त पर ऋषि का नाम है, मंत्र का नाम है और देवता का नाम है। देवता नाम विषय, उषा, अश्वनी, ददिक्रा इत्यादि, देवता वहाँ विषय को देवता कहा गया है। तो ऋषि का नाम है, किस ऋषि ने इसको कहा है और किस मंत्र में कहा है, गायत्री में, बृहति में, पंक्ति में, उष्णिक में, जगति में, किस मंत्र में कहा है और किस विषय पर कहा है, ये हर सूक्त पर है। एक सूक्त में बहुत मंत्र होते हैं, 50-60 भी होते हैं। अथर्व वेद में तो ऐसा भी है कि एक ही मंत्र का सूक्त होता है, 2-3 का भी होता है। हर सूक्त पर ऋषि का नाम, मंत्र का नाम और देवता का नाम है। तो कैसे वो ईश्वर ने बनाया है,
इसी प्रकार अन्य पुस्तकें भी दुनिया की, मनुष्यों की रचनाएं। आदमी बहुत भटका है, मनुष्य तो अल्पज्ञ है, अज्ञानी है, तुच्छ है। भगवान ईश्वर ज्ञान का सागर है। ये कौन कहता है? आप ही तो कहते हैं, मनुष्य कहता है। कभी ईश्वर आकर के कहा कि मैं ज्ञान का सागर हूं और तुम लोग तुच्छ हो? कोयले की खदान है, पत्थर की खदान है, हीरे की खदान है, तेल का स्रोत है, पानी का स्रोत है, ज्ञान का कहीं ना खदान है ना स्रोत है, वो मनुष्य। मनुष्य न होता, बाइबिल, कुरान, वेद, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ, बीजक, ये कुछ न होता। मनुष्य न होता ज्ञान विज्ञान न होता, मनुष्य न होता देवी देवताओं का सृजेता न होता। सारे देवी देवताओं का सृजेता मनुष्य है, सारे ईश्वरों की कल्पना करने वाला मनुष्य है, सारे भगवानों को गढ़ने वाला मनुष्य है, अवतार और पैगंबर की कल्पना करने वाला मनुष्य है। मनुष्य ज्ञान में सुप्रीम पावर है, मनुष्य महान है, और मनुष्य को तुच्छ कहा गया है। ये महा अपराध किया गया, पाप किया गया है। मनुष्य बड़ा कौन हो सकता है? मनुष्य तुच्छ नहीं है, यही ज्ञान विज्ञान का स्रोत है। अल्पज्ञ कहो, बहुज्ञ कहो, सर्वज्ञ कहो, मनुष्य सर्वज्ञ तो कोई नहीं होता है। अपने कल्याण के लिए सर्वज्ञ अर्थ ठीक है। सर्वज्ञ वह है जो अपने कल्याण के लिए पूरा जानता है, बंधन क्या है, मोक्ष क्या है, कौन बधा है, किसमें बधा है, इसको जानता है, और बंधन को तोड़ करके मुक्त हो जाता है, इसी जीवन में कृतार्थ हो जाता है, वो सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ एक अर्थ में अपने कल्याण के लिए सर्वज्ञ है। और सिद्ध संत जिनको कहो सर्वज्ञ कहो, अपनी मूछ में कितने बाल हैं वो बता नहीं सकते। दुनिया के कण कण को कोई नहीं जानता है। अल्पज्ञ और बहुज्ञ और सर्वज्ञ, ये सारे शब्द चरितार्थ होंगे मनुष्य में। मनुष्य की कीमत घटा करके संप्रदाय वालों ने बड़ा अनर्थ किया है। मूर्त पूजा वालों ने किसी की हत्या नहीं की, किसी को तकलीफ नहीं दिया, लेकिन किताब पूजने वालों ने गड़बड़ किया। जो किताब को ईश्वरी मानते हैं बड़े क्रूर हो जाते हैं, बड़े कठोर हो जाते हैं, और सच नहीं है। कोई किताब ईश्वरी है, यह मनुष्य में क्रोध, उग्रता, हठता, जड़ता पैदा करता है, ये पैदा करती है धारणा। और तथ्य यही है कि सारी किताबें, सारे शास्त्र मनुष्य की रचनाएं हैं, सारे महापुरुष केवल मनुष्य हैं, सारे संप्रदाय मनुष्यों के चलाए हैं, कोई संप्रदाय सत्य का एकाधिकारी ठेकेदार नहीं। सत्य सबके दिल में है। कोई मत मानने से मोक्ष नहीं होता है, मोह के क्षय होने से मोक्ष होता है। सत्य, ब्रह्म, खुदा, गॉड, जो कुछ भी कहो, वो मनुष्य की अंतरात्मा है जो सब में विद्यमान है। अपनी तरफ दृष्टि लौटाने से वो स्थित आती है। तो संप्रदायों ने ऐसा गढ़ा है कि हमारे संप्रदाय में आओगे तो स्वर्ग और मोक्ष होगा, दूसरे में नरक होगा। और जिन संतों ने इसका खंडन किया है, उन संतों के अनुगामियों ने यही कर डाला है। दुर्भाग्य, कबीर साहब ने खुल करके इसको कहा, राम रहीम की एकता, भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहु को ने बौराया, अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मादम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहा वे एक जिमी पर रहिए, वेद के ते पढ़े वे कुतबा वे मुलना वे पाणे, बेगर बेगर नाम धराए एक मिट्टी के भाणे। मानव मात्र को जैसे उन्होंने समान देखा, वैसे संप्रदायों को समान देखा। लेकिन कबीर पंथ में भी ऐसी धारणा है कि जो कबीर साहब को सुप्रीम पावर मानेगा उसका कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बिल्कुल गलत है। कबीर स्वयं अपने को एक मनुष्य मानते हैं। कबीर एक मनुष्य थे, और मनुष्य बड़ा कौन हो सकता है? कबीर मनुष्य थे, मोहम्मद मनुष्य थे, ईसा मनुष्य थे, राम मनुष्य थे, कृष्ण मनुष्य थे। मनुष्य की इज्जत आप घटाते क्यों हैं? ये महामानव थे, मनुष्य थे। तो कबीर ने अपने को मनुष्य माना, लेकिन अब सारे संप्रदाय लोग दो नंबर का प्रचार करके
धन जन बढ़ा रहे थे, हम क्यों ना बढ़ाएं। होड़ मची हुई है और इसके लिए जरूरी हर संप्रदाय वाले जागरूक हों। एक संस्मरण आया, हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में एक युवक महाराष्ट्र का गया, ईसाई युवक था, कुछ शोध में लगा था। वहाँ से विद्वानों ने मेरे पास भी भेजा कि इलाहाबाद जाओ, उनसे मिलो। मेरे पास आया, मैंने उसका स्वागत किया और मैंने कहा, सब कुछ कहा। उसने कहा, महाराज ऐसा विचार आज तक मुझे कभी नहीं मिला, मैं बहुत गदगद हूँ। पुस्तकें भी उसको दी। मैंने कहा, ये हर मत का काम है। मैं कबीर पंथ में 18 वर्ष की उम्र में उसको जाना और 21 वर्ष की उम्र में आया, 20 पूरा हुआ और 2 महीना और बीता, तब मैं कबीर पंथ में आया। 18 वर्ष तक मैं कबीर पंथ नहीं जानता था। कबीर पंथ में जो पारक सिद्धांत, साफ सुथरा निर्णय है, उससे हमारा सामना पड़ा और उसको पाया, खरा विचार पाया और उसमें मैं समर्पित हो गया। और कबीर साहब की जो बात जैसे मुझे समझ में है वैसे लिखा और कहा। पौराणिक कबीर पंथी भी मेरे ऊपर कृपा रखते हैं, वे भी आदर देते हैं, लेकिन मैं डरा नहीं, कहा और सब आदर देते हैं, सब समझते हैं, ये सत है। कमजोरी क्या है? बस धन जन बढ़ना चाहिए और धन जन बढ़ेगा जब 2 नंबर का प्रचार होगा। और ये सभी संप्रदाय वाले जब स्वीकारें और चमत्कार को हटाएं, अलौकिकता को हटाएं, तभी हो सकता है। चमत्कार और अलौकिकता महापुरुषों में और वाणियों में बिल्कुल झूठ है। सब कुछ लौकिक है, सब कुछ कारण कार्य व्यवस्था से गुंफित है, सब कुछ तथ्य के रूप में देखने की चेष्टा करनी चाहिए। पारक सिद्धांत कबीर साहब के विचारों को उसके मूल रूप में उद्घाटित करता है। तो संप्रदायों ने अनर्थ किया, हमारे संप्रदाय में स्वर्ग और मोक्ष, दूसरे में नहीं। स्वर्ग है मन में प्रेम का प्रवाह होना, प्राण मात्र को भगवत स्वरूप समझ करके सबके साथ सुंदर बर्ताव, ये स्वर्ग है। और सब तरफ से अनासक्त हो जाना मोक्ष है, और ये अपने पुरुषार्थ का फल है। गुरु चाहिए, किस्मत का गुरु इससे मतलब नहीं। इंग्लिश हमें सीखना है तो ब्राह्मण है कि शूद्र है, हिंदू है कि मुसलमान, इससे क्या मतलब है? जो इंग्लिश ठीक से जानता हो उसे हमें सीखना है। इसी प्रकार जो आत्मज्ञानी है, आत्मानुरक्त है, आत्मलीन है, ऐसा गुरु हमें चाहिए, जिसके बोध से, रहनी से हमें अंतर्मुक्ता मिले, आत्मशांति मिले। वो किसी मत का हो, किसी जात का हो, किसी वर्ण का हो, जो लोक में जाति वर्ण और मत मानते हैं। तो जैसे जातिवादी भावना ने समाज का हित किया, वैसे सांप्रदायिक भावना ने समाज का हित किया। और दोनों के विषय में कबीर साहब ने डंके की चोट पर कहा। उन्होंने सत्य को, परमात्मा को, निर्वाण को, मोक्ष को बाहर खोजने के नहीं कहा। ये सभी मत वाले इसको तो स्वीकारते, विद्वान लोग भी स्वीकारते हैं, उनका हरि, उनका राम। ये निश्चित है कि कबीर साहब ने सगुण उपासना के दायरे के शब्दों का काफ़ी प्रयोग किया है। स्वामी रामानंद उनके गुरु थे जो माना जाता है, ये हो सकता है। लेकिन उनके गुरु जो थे तो एक मर्यादा तक थे, वे मर्यादा के लिए उनको गुरु माने। लेकिन जैसा खरा विचार कबीर साहब का था, स्वामी रामानंद का नहीं था। बीजक में केवल एक पंक्ति है, रामानंद रामरस माते, कहें कबीर हम कहीं कहीं थाके। रामानंद रामरस में माते रहे, मैं कह के थक गया, लेकिन वो माने नहीं। राम कबीर साहब भी रामरस में माते थे, लेकिन कबीर साहब का राम अंतरात्मा था और स्वामी रामानंद का राम दशरथ पुत्र राम था, या कोई परोक्ष राम था। साहब कहते, परोक्ष से हटो, अपरोक्ष में आओ, थोड़ी सी बात पर ध्यान दे। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अपरोक्ष, ये 3 विषय हैं। इंद्रियों से प्रतीतमान जितना जगत है प्रत्यक्ष है, और इसी में संसार डूबा है। चपरासी से बड़ा अफसर तक और वर्कर से लेकर के बड़ा नेता तक, धनी से, निर्धन से धनी तक, और संप्रदाय वाले भी जो अंतर्मुख नहीं हैं,
सब प्रत्यक्ष में डूबे हैं, धन दौलत शरीर परिवार समाज, जो दुनिया में दिखाई देता है इसी में मनहरदम डूबा है। इसी हानि लाभ हर शोक में सब पीड़ित है। इससे कुछ लोग घबराते हैं और इससे हट करके परोक्ष की तरफ उनकी दृष्टि जाती है। कोई ईश्वर, कोई देवता, कोई परमात्मा होगा जो हमारा दुख दूर कर सकता है। तो जब तप में लग जाते हैं, तीर्थ में लग जाते हैं, नहाने धोने में ज़्यादा लग जाते हैं, पाठ में लग जाते हैं, तो उनके मन में थोड़ा संतोष होता है, लेकिन दुख नहीं दूर होता है। परोक्ष मन का विषय है, इंद्रियों से प्रतीतमान प्रत्यक्ष है, और मन से जहाँ तक कल्पित है वो परोक्ष है। जहाँ इंद्रियों का व्यवहार शांत हो गया और मन का भी व्यापार शांत हो गया, वो अपरोक्ष तत्व है, वो निज तत्व है, आत्मा है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसासः बुद्धिश्चाना विचेष्ट तामाहु परमाम गतिम। ये नचकेता को उपदेश करते हुए यमाचार्य ने कठोपनिषद में कहा, जब पांचों ज्ञान इंद्रियां मन और बुद्धि शांत हो जाते हैं, इसको परम गति कहते हैं। यहाँ कुछ पाना नहीं, मन इंद्रियां और बुद्धि शांत हो जाना है। तथागत बुद्ध ने यही कहा, पटिवासे यत्तमत्तना प्रतिवशेत आत्मानाम आत्मना, हाँ संस्कृत में हो जाएगा, उनका पाली भाषा में, लेकिन संस्कृत में इसको अगर हम कहें, वे पाली में कहते पटिवासे यत्तमत्तना, संस्कृत में हो जाएगा प्रतिवशेत आत्मानाम आत्मना, हाँ आत्मा द्वारा आत्मा में स्थित हो जाओ। आत्मन्यवात्मना तुष्ट, गीताकार ने कहा, सद्गुरु कबीर ने कहा, जब लग दिल पर दिल नहीं तब लग सब सुख ना है। ऋषियों ने भी कहा, यो वही भूमा तत् सुखम नाल्पे सुखमस्ति भूमयु सुखम, भूमा में सुख है, अल्प में सुख नहीं है। ये धन अल्प है, जन अल्प है, पद अल्प है, संयोग अल्प है, इंद्रियों से संबंध जितना होता सब अल्प है, आज है कल नहीं है। भूमा अनंत है, भूमा आत्मा है, वो नित्य है। यत्र नानत पश्यत नानत श्रणोत नानत विजाना सब भूमा, जब दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, ये भूमा की दशा है। ये क्या है? मन इंद्रियों को शांत कर देना। रूमी साहेब ने कहा, चश्म बंदो गोश बंदो लभ्य बंद घर नवीनी सरेहक बर्मन बखंद। चश्म बंदो, आँखों को बंद कर लो, गोश बंदो, कानों को बंद कर लो, लब विबंद, ओठों को बंद कर लो, गर्नवीनी सर्रेहक, इतने पर भी सत्य के दर्शन न हो, बर्मन बखन मेरा मजाक उड़ाना। कबीर साहब ने कहा, समझ बूझ जड़ हो रहे बल तज निर्बल होए, कहें कबीरता संत का पला न पकड़े कोई। जो समझ बूझ करके जड़ हो जाए, सब कुछ जान ले, फिर अनाड़ी बन जाए, और बल तज निर्बल होए, धन बल जन बल शासन बल स्वामित्व बल विद्या बल ज्ञान बल सारा बल सारे बल का अहंकार छोड़ करके निर्माण हो जाए, साहब कहते उसका पल्ला कोई पकड़ नहीं सकता है। योगस चित्त वृत्ति निरोधः, पतंजलि महाराज ने कहा, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। ये समवेत राय है आध्यात्मिक साधकों की कि इंद्रिय और मन के व्यापार जब शांत हो जाते हैं तब परमपद की स्थित है। बुद्ध वचन, महावीर वचन, उपनिषद वचन, वेद वचन, कबीर वचन, नानक वचन और भी सूफी संतों के वचन, सबके वचनों में कहा, नानक बिन आपा चीन्हे मिटे न भ्रम की काई। परमार्थ पाना नहीं है, सत्य पाना नहीं है, सत्य आप स्वयं है। परमात्मा ब्रह्म खुदा गाड निर्वाण मोक्ष कल्याण कैवल्य, जितने भी उच्चतम अध्यात्म के शब्द हैं उन सब की चरितार्थता आपकी स्वरूप स्थित में है, आत्म स्थित में। जहाँ तक हम इंद्रियों का व्यापार देखते हैं वो विषय व्यापार प्रत्यक्ष है, जहाँ तक मन का व्यापार है सब परोक्ष है। मन इंद्रियां शांत हो गई तब अपरोक्ष आत्मबोध है। इसी आत्मबोध पर कबीर साहब ने अपनी वाणी अध्यात्म की पूरी कही, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनवाए, तैसे घट घट राम है दुनिया जानत नाए।
पानी में मीन पियासी, मुहि सुन सुन आवत हाँसी, आत्मज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी, जैसे मृगा नाभि कस्तूरी बन बन फिरत उदासी। ये स्थिति तब आएगी जब विषयों से विरक्ति होगी। विरक्त से घबराए ना, विरक्त तो होना है सबको। राम नाम सत्य है कि स्थिति में जाना है, कोई बचने वाला नहीं। पहले से विरक्त क्यों ना हो, घर में रहें, परिवार में रहें, जिम्मेदारी निभाएं। हम भी जिम्मेदारी निभाते हैं, आप लोगों के दो बच्चे, चार बच्चे, कोई कोई शूरवीर हैं जिसके 12-14 बच्चे होते हैं। एक घर में मैं गया था, वो मुझे अपने घर ले गए तो पूजा करने लगे बाल बच्चे सब, बड़ी लंबी लाइन लगी। मैंने कहा भाई कितने बच्चे तुम्हारे, तो उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कितने हैं रे, तो कहा साहब 14 हैं। हम कहे वाह बहुत वीर हो। तो कोई कोई वीर होगा जब जिसको 12-14 हो, नहीं तो 1-2-4। हम लोगों के बहुत बच्चे हैं, यहीं पर जो रहते हैं सब करीब 100 के लगभग होंगे, और जगह जाना होता है, और इनसे हम निपटते हैं, निभाते हैं। तो जहाँ आदमी जो है व्यवहार करना चाहिए सबके साथ प्यार का बर्ताव, लेकिन निर्मोह होकर। है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहा ना जाए, हाँ ना ही के बीच में साहब रहा समय। ये शरीर परिवार सारा संबंध जो दिखाई दे रहा है कहो तो है नहीं, अभी मेरी सांस टूट जाए यहीं, तो आप लोग गमगीन हो जाएंगे और सोचेंगे भाई लाश तो अभी कैसे करें, सुबह इसको गाड़ने के चक्कर में पड़ेंगे, और सदा के लिए मैं इसको नहीं जानूंगा, जो बिल्कुल आप लोग देख रहे हैं कि जुड़ा है, सदा के लिए मैं नहीं जानूंगा। मेरी पुस्तकों का प्रचार हजारों हजारों वर्ष तक होता रहा है, लाखों लोग लाभ लेते रहें, लेकिन अगर मैं अपनी स्थिति में नहीं हूँ तो मैं खटाई में पड़ जाऊँगा। इसलिए इस धोखे में हमें नहीं रमना है। तो वैराग्य अनासक्ति अवस्था है। परिवार में रह करके वैराग्य करने की ज़रूरत है, जहाँ रहें वैराग्य की ज़रूरत है, अनासक्ति की ज़रूरत है। जितना जितना अनासक्त होंगे उतना उतना अपने आत्मा के निकट आएंगे, वही परमात्मा के निकट आना है। और इसके लिए जरूरी है रोज समय निकालें, अध्ययन करें ऐसी वाणियों का, चिंतन मनन करें, ऐसे ज्ञानी वैराग्यवान पुरुषों से पावर चार्जिंग भी करवाएं, यानी समय से उनसे मिलें जुलें। रोज समय निकालें, अध्ययन ध्यान चिंतन में लगावें, संसार की नश्वरता को देखें। कौन नहीं जानता है शरीर छूट जाएगा और शरीर के साथ सब छूट जाएगा, लेकिन कितने समय तक लोग याद रखते हैं। जब अनासक्त हम होंगे तो बराबर याद होगा, और बराबर याद भी तब होगा जब इस पर विचार करेंगे। तो साधना में सबको लगना चाहिए। मेरा निवेदन प्रायः रहता है कि 40 वर्ष की उम्र के पहले तक भी कभी 1 घंटा समय निकालो, 40 वर्ष के बाद 2 घंटे समय, 50 वर्ष के बाद 3 घंटे समय, और 60 के बाद तो कम से कम 4 घंटे, क्योंकि 60 में रिटायरमेंट हो जाता है। लेकिन ये बूढ़े लोग रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते हैं। जवान चाहे सरल रहें, बूढ़े लोग और जटिल हो जाते हैं। बाल जितने पकते हैं मोह और तृष्णा ये दोनों बढ़ते हैं। कबीर साहब की वाणी में वैराग्य बहुत है, इसीलिए है। अन्य संतों की वाणी में भी है, हजरत मोहम्मद ने भी हदीस में कहा है कि जो कम बोलता हो और दुनिया से उदास रहता हो उसके पास बैठो, वहाँ तुम्हें नसीहत मिलेगी, आत्मिक रोशनी मिलेगी। बाइबिल में, वेद में, वेद कहते हैं उसमें खाने पीने की बात है और वैसी बातें हैं, वैराग नहीं है। वेद में तो बारंबार मनुष्य को मृत कहा गया है, और सबसे बड़ा वैराग्य है। जानवरों को मृत नहीं कहा गया, और मृत सब हैं, यानी मरण धर्म, लेकिन जानवर तो समझ नहीं सकते हैं। शायद मनुष्यों को चिताने के लिए ऋषि बारंबार मृत कहते हैं। तो मृत वेदों में जो चला वो संस्कृत भाषा में रूढ़ हो गया। वेदों से तो कितने शब्द चले जो आगे रूढ़ हो गए, जैसे गवेषणा, गवेषणा गाय की इच्छा, गवेषणा ये वेद का मूल अर्थ है। लेकिन गाय खो जाती थी तो खोजने में रूढ़ हो गया गवेषणा, अब आगे चल करके संस्कृत साहित्य में गवेषणा का अर्थ ही हो गया खोज। ऐसे बहुत से सारे शब्द हैं। तो मैं अपने मूल स्थान पर आकर के विराम लूँगा। कबीर साहब
एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हैं। बीजक पढ़ करके आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं, बीजक पढ़ें देखें। कबीर साहब की बात कबीर साहब की नहीं है, सत्ता की है। पूरे बीजक में उन्होंने कोई मतवाद नहीं रखा है, कोई रूढ़ ईश्वर नहीं रखा है, कोई उन्होंने अवतार और पैगंबर की बात नहीं की है, स्वयं अवतार पैगंबर नहीं बने हैं, भले अनुगामियों ने बना दिया हो। अनुगामी तो हर जगह बनाते हैं। एक महात्मा को लोग कहते थे आकाश में उड़ते हैं, तो गांव वाले रात में छिप करके देखना चाहे, महात्मा पेशाब के लिए निकले रात में तो खुशफुसाने लगे गांव वाले, तो गांव वालों से उन्होंने कहा भाई तुम लोग कौन हो? कि महाराज आपके गांव वाले। कहाँ यहाँ क्यों हो? कि आप रात में उड़ते हैं तो हम देखने आए हैं। कहे मैं नहीं उड़ता हूँ, मेरे चेले उड़ाते हैं। दुनिया भर के महापुरुषों के चेले उड़ाते हैं, और ये उड़ाना बंद करें। महापुरुष मनुष्य, कबीर साहब मनुष्य हैं, और मनुष्यता को रख करके उनको उन्होंने अपनी बातें कही। पूरा बीजक आप पढ़िए, प्राप्त विचारों पर समीक्षा है और सत्य का उद्घाटन है। धर्म के क्षेत्र में वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हैं। चमत्कार गलत है, अंधविश्वास है, फलित ज्योतिष के चक्कर में मत पड़ो। अभी देखो फलित ज्योतिष वालों ने लिखा था कि अटल बिहारी वाजपेयी बिल्कुल ही प्रधानमंत्री होंगे, और जब वे नहीं हुए तो सब ज्योतिषी चुप बैठे हैं। तो इस चक्कर में मत पड़ो। और झाड़ फूक जंतर मंतर भूत प्रेत दिशाशूल शकुन अपशकुन ये सब निरर्थक हैं। आप स्वस्थ चित्त से रहो, सुंदर विचार से रहो, आपके गलत व्यवहार के अलावा कोई आपको दुख देने वाला नहीं है। अब आपके सही व्यवहार से सुख होने वाला है। तो धर्म अध्यात्म समाज सारी दृष्टियों में कबीर साहब के विचार वैज्ञानिक हैं। उनके विचारों को पढ़ें, गुणें मनन करें, समाज में फैलाएं। कबीर पंथ बन गया है, पंथ पंथ बन जाता है, लेकिन कबीर पंथ मोक्ष का द्वार नहीं है। मोक्ष का द्वार है निर्मोहता, मोक्ष का द्वार है अज्ञान की निवृत्ति, स्वरूप ज्ञान आत्मज्ञान। स्वर्ग का द्वार है सबसे प्रेम करना। ये कोई कबीर पंथ से होने वाला नहीं है, ये अमुक पंथ से होने वाला नहीं है। पूरे बीजक में कबीर साहब के कहीं पंथ का नाम भी नहीं है। इसलिए कबीर की वाणी, कबीर का विचार कबीर का नहीं है, पूरी सत्ता का है, आपका है। मनन करें, और वो जितना विचार फैलेगा मनुष्य मनुष्यता पर ध्यान देगा, और जात पाति और संप्रदाय को लेकर के जो कटुता और अज्ञान और अंधकार है ये दूर होगा। इसी के साथ आपको धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी का विराम। बोलिए सदगुरु देव की जय। दो मिनट आप लोग और बैठें। कबीर पारक संस्थान इलाहाबाद का 27वां वार्षिक अधिवेशन का आज दूसरा दिन और दूसरा